Hello children, today we are going to start a new chapter, chapter 5, division. You already know that division is a process of equal sharing. You also know that division is also a process of repeated subtraction. Just to freshen up your memory, let's have a brief review of these aspects of divisions. Divisions as equal sharing. Equal sharing following pictures as shown. Showing 30 pencils. देखिए इस पिक्चर में दी हुई है 30 pencils being equally shared by 5 boys. 5 boys में आपको ये 30 pencils equally share करनी है. तो कैसे करेंगे आप? यहाँ देखिए 5 पिक्चर में 5 boys आपके दिख रहे हैं. तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप उनका डिवीज़न करेंगे. 30 का डिवीज़न 5 से करेंगे. तो ईच 30 का डिवीज़न 5 से किया तो कितना आया? 6. यानी कि एक बॉय को 6 pencils मिल रही हैं. आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर हो पाएगा ये. तो अब जैसे कि यहाँ पर 18 टॉफ़ीज़ हैं, आपको इनको 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 18 टॉफ़ीज़ को 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो किस तरीके से करेंगे? 18 का 3 में डिवीज़न कर देंगे तो ईच चिल्ड्रन के उसमें 6 टॉफ़ीज़ आ जाएंगी. कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी? 6 टॉफ़ीज़ आ जाएंगी. क्लियर? डिवीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा. Division as repeated subtraction. Division is a process of repeated subtraction. Let's see how repeatedly subtracting numbers from another numbers can lead to a division facts. Question number 1. Let's subtract 5 from 15 respectively. मतलब 15 का division हमको 5 से करना है. तो ये जो repeated subtraction वाला method है ये किस तरीके से solve करते हैं? जब तक आपका जीरो नहीं आता है तब तक आपको उस डिजिट से माइनस करना है. जैसे आपका 5 का डिवीज़न 15 से करना है तो आप क्या करेंगे? 15 से 5 को माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा. वन टाइम हो गया आपका. फिर 10 से 5 को माइनस किया फिर 5 आ गया तो 2 टाइम्स हो गया. अब ये फिर 5 को माइनस किया हमने तब 0 आ गया. यानी कि 5 को 3 टाइम्स हमने इससे माइनस किया. कितने टाइम माइनस किया? 3 टाइम्स. तो आंसर क्या हो गया आपका? 3. सिंपली ये आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है. आपका इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. ऐसे ही एक एग्जांपल आप और देखते हैं. जैसे कि ये अभी ये 15 का 3 से करना. अब 3 का डिवीज़न 15 से करना है तो आप क्या करेंगे? 15 में 3 माइनस कर देंगे फिर 12 आ गया. फिर 12 में 3 माइनस किया 9 आ गया. 9 से 3 माइनस किया 6 आ गया. तो 6 से 3 माइनस किया 3 आ गया. फिर 3 से 3 माइनस किया 0 आ गया. यानी कि कितने बार प्रोसेस हुआ है? 1 2 3 4 5. कितने टाइम से प्रोसेस हुआ है? 5 टाइम्स हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तब हमारा आंसर आया. तो आंसर क्या हो जाएगा? 5. सो आंसर इज 5. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. तो आंसर आपका क्या हो गया? 5. इस तरीके से आपको ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है. ये बहुत ही ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा. अब आपकी एक्सरसाइज होगी 5.1. एक्सरसाइज 5.1 ने अब एक्सरसाइज आपकी आ गई 5.1. सी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द गिविन सिचुएशन. देयर आर 30 पेन्स. दीज आर केप्ट इक्वली इन 5 पेन बॉक्सेस. हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन ईच बॉक्स. यहाँ पर 30 पेन्स हैं और 5 बॉक्स में आपको इक्वली रखना है. तो कैसे? हाउ मैनी पेन्स आर, तो एक बॉक्स में कितने पेन आएंगे आपको ये निकालना है. डिवीज़न होगा, आपको सिर्फ फैक्ट लिखना है, इसमें आपको सॉल्विंग नहीं करनी है, सिर्फ फैक्ट. तो क्या करेंगे आप? 30 का डिवीज़न आप करते हैं, 5 से डिवीज़न कर दीजिए 30 का. तो 5 का डिवीज़न करेंगे 30, तो 5 की टेबल पड़ी है 30, कितने टाइम्स में आएगा? तो 6 आ जाएगा. 5 6 30. इस तरीके से ये सिर्फ आपको डिवीज़न फैक्ट लिखना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है. जैसे एक क्वेश्चन और है. देयर आर 9 नोटबुक्स. कृष्णा बॉट 36 स्टिकर्स एंड पेस्टेड देम इक्वली ऑन ऑल द नोटबुक्स. हाउ मैनी स्टिकर्स डिड ही पेस्ट ऑन ईच नोटबुक. तो ईच नोटबुक में कितने पेस्ट करेगा? सेम आपको इसी प्रोसेस से करना है. तो 36 का डिवीज़न करना है 9 से. 9 4 36. तो सिर्फ यहाँ पर डिवीज़न फैक्ट्स आपको राइट डाउन करना है. अब क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, आप इसको अपने आप से करेंगे. डेट आज की 10 10 20. अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको एक्सप्लेन करना है. राइट डिवीज़न फैक्ट्स फॉर
द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आपको इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा आपको सॉल्विंग करनी है। इसमें अब आपका 28 का डिवीजन 7 से करना है, तो इसको आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इस तरीके से करेंगे। 28 को 7 से माइनस किया, आंसर आया 21। 21 को 7 से माइनस किया, आंसर आया 14। 14 को 7 से माइनस किया, आंसर आया 7। अब 7 को 7 से माइनस किया, आंसर आया 0। यानी कि 7 को हमने कितने टाइम्स माइनस किया, 1 2 3 4, कितने टाइम्स किया, 4। यानी कि आंसर क्या होगा, 4। लेकिन 28 का डिवीज़न जब आप करेंगे 7 से, तो आंसर कितना आया, 4। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आपका आ गया 4। इसी तरीके से आपको ये बाकी करना है। एक आपको ये लॉन्ग वाला और आपको क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है। 45 का डिवीज़न 5 से करना है, तो आपने 45 को 5 से माइनस किया 1 टाइम, आंसर आया 40। 40 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 35। 35 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 30। 30 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 25। 25 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 20। 20 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 15। 15 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 10। 10 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 5। और 5 को 5 से माइनस किया, आंसर आया 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, करते रहना है आपको सब्ट्रैक्शन। अब आप इसको काउंट करिए, कितने बार आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम्स किया आपने, 9 टाइम्स। सो आंसर इज 9, तो आंसर आपका 9 हो गया। सो आपका सब्ट्रैक्शन किससे था, 45 का सब्ट्रैक्शन था आपका 5 से, तो 5 9 जब 45, हो गया क्लियर। इसी तरीके से आपको ये आपके 3 जो लेफ्ट हो गए हैं, आप ये आपको इसी में नोटबुक में नहीं, इसको बुक में ही करना है। ये आपकी दोनों एक्सरसाइज आपको अभी बुक में करनी है। नोटबुक में जब करना होगा तब हम आपको अभी आपके कराएं। और आपको जो भी क्वेरी है इस एक्सरसाइज में या डिवीजन में, जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।